लेकिन बंगाल को बताने के बजाय बंगाल से बहुत कुछ सीखना जरूरी है। आज का टॉपिक है कि वायलेंस फ्री इंडिया। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं थोड़ा सा हैरान हुई और मुझे लगा कि ये तो बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम होने जा रहा है। एक ऐसे दौर में जहां हर रोज मैं अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए तमाम तरह के थिंक टैंक, तमाम एक्टिविस्ट ये बता रहे हैं कि वायलेंस में किस तरह से इजाफा हो रहा है, पूरी दुनिया परेशान है। मैं अभी दुनिया के कई मुल्कों का दौरा करके आई हूँ और उन मुल्कों में मुझसे लोग पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ इतनी नफरत, इतना बंटवारा, इतनी गैर बराबरी और इतना तशद्दुद क्यों है। ऐसे में मजलिस मुशावरत ने ये सोचा कि एक ऐसा दिन भी आ सकता है, या कम से कम ये ख्वाब देखा कि हिंदुस्तान में वो दिन भी आएगा जब वायलेंस फ्री इंडिया हो जाएगा। तो सबसे बड़ी बात, बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने ये सोचा, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है, दुष्यंत कुमार का एक शेर है, सबसे खतरनाक होता है सपनों का मर जाना। तो बहुत अच्छी बात है कि आप बदतरीन हालात से गुजर रहे हो ऐसे वक्त में जबकि आपके सांस लेने को भी क्रिमिनलाइज कर दिया गया हो, जब आप सोचते हो कि एक लफ्ज मुंह से न निकले कि दिमाग में ही सोच ही हो तब उस सोच को भी कैदी बना दिया गया हो, ऐसे वक्त में जब लगे कि सैकड़ों साल से वो तमाम जनरेशंस, हमारे बाप दादा, परदादा, उनके भी बाप, उनके भी दादा सब यहाँ की मिट्टी में दफन हैं और आज कहा जा रहा हो गो टू पाकिस्तान, ऐसे वक्त में ये इस तरह की महफिल, आप लोगों का यहाँ मौजूद होना और तमाम बुजुर्गों के बीच, मेरे पास कहने के लिए बहुत कम है क्योंकि मैं इतना कुछ सीखा पिछले दो घंटे में मैंने यहाँ, और तमाम बुजुर्गों और दानिश्वरों के बीच में यहाँ ऑडियंस में भी जिस तरह के लोग बैठे हैं, मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ आऊँ और मैं कुछ कह सकूँ, लेकिन कहने से भी ज़्यादा मैं सुनना चाहूँगी। और मुझे इसलिए भी मैंने आना पसंद किया क्योंकि हर रोज़ जब मैं उठती हूँ आजकल और फिर से एक प्रोग्राम करना होता है, अक्सर थक जाती हूँ, जिस्मानी नहीं दिमागी तौर पे, रूहानी तौर पे भी एक तरह की थकान होती है। ऐसा लगता है कि रोज़ एक ही बात कह रही हूँ, ऐसा लगता है रोज़ आईने में वही चेहरा देख रही हूँ, ऐसा लगता है रोज़ अपने को ही सुन रही हूँ, और ऐसा लगता है कभी कभी कि सिर्फ मैं ही कह रही हूँ और मैं ही सुन रही हूँ। और ऐसे में आप तमाम लोगों से को यहाँ देखना, मैं हौसला देने नहीं, हौसला लेने आई हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि एक यहाँ पर ही पूरा एक कमरा है, ये एक हॉल है, यहाँ आप लोग इस बात पे चर्चा करने बैठे हैं कि आपको तशद्दुद नहीं चाहिए, आपको नफरत नहीं चाहिए, यहाँ अब भी आप सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आज के वक्त में मुसलमान होना ऐसा नहीं है कि तमाम 20 करोड़ लोगों को ये कहा जा रहा है कि भाई आपको गंगा में डुबो देंगे या जमुना में डुबो देंगे या 20 करोड़ लोगों को जेल में बंद कर देंगे। आज के दौर में जिस तरह के हालात हैं वो है, अगर अंग्रेजी में कहें तो लाइफ विदाउट डिग्निटी, और उर्दू में कहें तो एक ऐसी जिंदगी जिसमें जिंदगी तो है आबरू नहीं है। तो ऐसे में बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब रोशनी कम हो रही हो तो एक हल्का करके, एक घेरा बना के सब लोग बैठ जाएं और उस फड़फड़ाती जो लौ है उसको बुझने ना दें। एक बहुत खूबसूरत शेर भी है, इस पर शायद पूरी तरीके से याद नहीं आ रहा, हल्का किए बैठे रहो यारों, कुछ याद नहीं आ रहा, आप में से किसी को याद हो तो बताइए। बहुत खूबसूरत शेर है, रोशनी मध्यम तो है लेकिन रोशनी तो है, इस तरह करके कुछ शेर है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर मेरे सीनियर गुप्त जी ने कहा, बहुत ही खूबसूरत उन्होंने बात की, और इसलिए मैं कहती हूँ कि इस मुल्क में जो लिबरल हैं, सबसे बड़े माइनॉरिटी, सबसे छोटी माइनॉरिटी यहाँ सिख या ईसाई या पारसी नहीं है, जो सबसे छोटी माइनॉरिटी है वो यहाँ लिबरल्स, चाहे वो हिंदू लिबरल हो, मुस्लिम लिबरल हो, सिख या ईसाई लिबरल, तो वो छोटी जो माइनॉरिटी है उनमें से आते हैं संदीप जी या गुप्त जी, या मैं अपने को भी कह सकती हूँ, मैं भी, मेरी सबसे बड़ी पहचान यही है कि मैं हिंदुस्तान के जो एक लिबरल आइडिया ऑफ इंडिया है उसमें मैं यकीन रखती हूँ।
तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात हो रही है, सब्जेक्ट पे आते हैं कि हेट फ्री इंडिया या वायलेंस फ्री इंडिया। देखिए, वायलेंस के लिए जो प्री रिक्विजिट है, जो शर्त है, वो है नफरत। और नफरत के साथ साथ गैर बराबरी और डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन और हेट, ये प्री रिक्विजिट है। यानी ये शर्त है कि ये चीज़ें ज़रूरी है इससे पहले कि नफरत हो। और ऐसे वक्त में जब नफरत का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर इंडिया का स्टेट हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर, इस नफरत का प्रोड्यूसर, डायरेक्टर ऑफ एक्टर हिंदुस्तान की हुकूमत है। और अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया, तो आपको कुछ फिगर्स में देती हूं। मेरा यही काम है, पढ़ने लिखने का और अपने आर्ग्यूमेंट्स को सपोर्ट करने का फिगर और डेटा से। हिंदुत्व वॉच की रिपोर्ट आई है जो ये कहती है, वॉशिंगटन डीसी में बेस्ड है ये थिंक टैंक, जो कहती है कि पिछले आधे साल में, यानी इस साल के आधे हिस्से में, अभी तो और कई महीने पड़े, इस साल के आधे हिस्से में 255 हेट स्पीचेस हुई हैं। 255 हेट स्पीचेस, उसमें 80% जो हैं वो बीजेपी रूल स्टेट से आती हैं। जहां बीजेपी हुकूमत में है, 80% हेट स्पीचेस बीजेपी रूल स्टेट से आती हैं। और ये जो हिंदुत्व वॉच है, ये कोई जमीन पे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो इनके इस डेटा को भी हम, ये सिर्फ डॉक्यूमेंटेड इंसिडेंट ऑफ हेट है, यानी जो मेरे जैसे जर्नलिस्ट ने, मेरे जैसे न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ने जो डॉक्यूमेंट कर लिए, जिन चीजों पे हमने रिपोर्टिंग कर ली, वो इंसिडेंट इन्होंने दर्ज किए हैं। क्योंकि हुकूमत ने हिंदुस्तान की 2017 में जो हेट है उसको लेकर डेटा ही बंद कर दिया। यानी अब आप ये तोल नहीं सकते, ये माप नहीं सकते, वो तराजू ही नहीं है हमारी गवर्नमेंट के पास, जिससे ये हम साबित कर सकें कि इतनी बार नफरत भरी बातें कही गई। हिंदुस्तान टाइम्स के एक फॉर्मर एडिटर थे, उन्होंने हेट वॉच के नाम से, हेट ट्रैकर के नाम से उन्होंने एक अपने अखबार में एक नया कॉलम शुरू किया। 2 हफ्ते बाद पता चला ना वो कॉलम रहा ना वो एडिटर रहे, और हद तो ये हो गई कि उनको हिंदुस्तान छोड़ के जाना पड़ा। ये एक ऐसी कुछ गुमनाम कहानियां हैं, कुछ ऐसे हीरो होते हैं जिन्हें हम अंग्रेजी में अनसंग कहते हैं, यानी जिनके गीत भी हमने नहीं गाए उनकी बहादुरी को। आज आपको बता रही हूं, आपको लग रहा है कोई खबर है शायद, और ये कई साल पहले की बात है। दूसरी बड़ी बात आप देखिए, वॉशिंगटन पोस्ट ने एक अभी एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छापी है, उसमें उन्होंने कहा है कि कर्नाटका इलेक्शंस में उन्होंने ये पाया कि नफरत जो है, हेट जो है, वो बीजेपी की इलेक्शन कैंपेन का एक सबसे अहम हिस्सा था। और इस हिस्से में, क्योंकि नफरत आप कैसे फैलाएंगे, नफरत कोई फिजा में तो नहीं, कोई एब्स्ट्रैक्ट में तो नफरत नहीं हो सकती। नफरत के लिए आपको बाकायदा एक फिगर चाहिए। दुश्मन अगर नहीं है तो उसे बनाना पड़ेगा, क्योंकि मोहब्बत के लिए आपको वजह नहीं चाहिए, मोहब्बत के लिए कोई पुतला नहीं चाहिए, लेकिन नफरत के लिए आपको एक पुतले की जरूरत है जिस पर पत्थर फेंके जा सके। आज की तारीख में वो पत्थर फेंके जाने वाला पुतला हिंदुस्तान का मुसलमान है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी इस इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में पाया कि 1.5 लाख लोग कम से कम लगाए गए सोशल मीडिया के वर्कर्स, जिनके जरिए नफरत फैलाई जा रही थी मुसलमानों के बारे में और कांग्रेस पार्टी के बारे में, और कहा यह जा रहा था कि अगर आपको इस सब से बचना है तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। तो इसलिए बहुत अहम है कि जब हम समझें और किसी बात को कहें, मैं समझती हूं कि जितने लोग हमारे सामने यहां बैठे हैं ज्यादातर इमोशनली सोचते हैं, जज्बात से सोचते हैं, दिमाग से कम काम लेते हैं, लेकिन इस वक्त जो वक्त है वो, जैसे मैंने कहा कि हल्का करके उस रोशनी को ना बुझने देने का वक्त तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ हिम्मत से उस रोशनी को आगे बढ़ाने का वक्त भी है। ईसाइयों के ऊपर जो हमले हुए,
मणिपुर में 254 चर्चों को, दो तीन चार पाँच छः सात नहीं, दो दर्जन नहीं, तीन दर्जन नहीं, पांच दर्जन नहीं, 254 चर्च जला दिए गए। मणिपुर की ही जो इंसिडेंट है हमें बताता है 2011 से और 2022 के बीच में जो हमारे ईसाई भाई बहन हैं उनके ऊपर चार गुना हमलों की तादाद बढ़ गई है। तो ये अफसोस की बात यह है कि हम ऐसे मुल्क में जी रहे हैं, ऐसी हुकूमत के तले हम दबे हुए हैं जिसकी जो स्टेट पॉलिसी है वो है हेट और वायलेंस। हुकूमतें हुआ करती हैं जिनकी स्टेट पॉलिसी होती है कि हम गरीब लोगों को जो पूरी हमारी तरक्की की जो पूरी बयार है हम उसमें शामिल करेंगे, हम हिंदुस्तान को एक नया डायरेक्शन देना चाहते हैं, कोई भी अलग अलग, मैं कहूँ कि मनमोहन सिंह थे उनका एक अलग नज़रिया था, उससे पहले और प्राइम मिनिस्टर थे वाजपेयी थे उनका अलग नज़रिया था, उससे पहले और प्राइम मिनिस्टर थे, सबका अलग अलग नज़रिया है। इस गवर्नमेंट का सिर्फ एक ही नज़रिया है, वो है नफरत और तशद्दुद। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में गए, वहाँ एक जर्नलिस्ट ने उनसे पूछा कि ये बताइए कि कहा जा रहा है कि मुसलमानों पे बहुत जुल्म और ज्यादती हो रही है और आपको इस बारे में क्या कहना है, आप मुसलमानों के हालात कैसे बेहतर बनाएंगे, ऐसे ही सवाल था, बहुत कमज़ोर सा सवाल, मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा कोई बहादुरी से पूछा गया सवाल था। उस पर सीधे स्ट्रेट फेस जिसे हम भी कहते हैं से हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हिंदुस्तान में धर्म, जाति, लिंग, भाषा, क्षेत्र, इसके आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अभी यहाँ हमारे गुप्त साहब मेरे सीनियर कह रहे थे झूठ की बात कह रहे थे, झूठ अगर बोले भी आप तो इस कॉन्फिडेंस से बोलिए और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से बोलिए जहाँ कोई ये भी ना कह सके, और इतनी बार बोलिए कि सच कोने में छिपा रहे और झूठ पूरी महफिल में शोर मचाता रहे। 24 घंटे पहले हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनसे फिर सवाल पूछा गया, फिर अमेरिका में ही सवाल पूछ लिया गया, उन्होंने कहा कि मैं आपको चुनौती देता हूं, मुझे बताइए डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है। स्ट्रेट फेस के साथ हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा वेयर इज डिस्क्रिमिनेशन, आई डिफाई यू, वेयर इज डिस्क्रिमिनेशन। एक ऐसे दौर में जहां बच्चे को सजा उसका मजहब देख के दी जाती है, एक ऐसे दौर में जहां सिर्फ वोटर ही नहीं, मुस्लिम वोटर ही नहीं, मुस्लिम नेता भी पार्लियामेंट में जलील किया जाता है, जहां उसको टेररिस्ट कहा जाता है। सोशल मीडिया पे जब मैं जाती हूं, अभी मैं कल एक प्रोग्राम में गई थी, ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन का प्रोग्राम था, तो कल से मुझे अब तक हजारों गालियां पड़ चुकी हैं और कहा जा रहा है कि मैं कम्युनिस्टों के प्रोग्राम में गई हूँ वहां जाके बोली, अब यहां मैं मुसलमानों के प्रोग्राम में आ गई यहां के बोल रही हूं। मैं कहती हूं आप मुझे बुला लीजिए अपने प्रोग्राम में, मैं वहां भी जाके बोलूंगी। सिर्फ हिम्मत इतनी होनी चाहिए कि जो मैं बोल रही हूं आप सुन सके। मेरा छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन पर बोलना तो गवारा नहीं होता, मुझे उस तरह की धमकियां दी जाती हैं जो सुनना भी मुश्किल है, पढ़ना भी मुश्किल है। मुझे वीडियोस बना के बाकायदा लोग भेजते हैं कि मेरे साथ वो क्या क्या करना चाहते हैं। फिर हर रोज हर सुबह मैं हिम्मत जुटाती हूँ, फिर से खड़ी होती हूँ, कैमरा लाइट ऑन करती हूँ और फिर बोलने लगती हूँ। आपने सिर्फ यही किस्सा सुना कि वो बच्चा जिसका मजहब देख के बुलाया गया और बाकी क्लासमेट्स को कहा गया कि भाई सब बारी बारी से इस बच्चे के थप्पड़ मारिए, लेकिन आपने ये किस्सा नहीं सुना कि एक टीचर जो आर्ट्स की टीचर थी वो मुगल आर्ट्स पढ़ा रही थी, पूरी क्लास ने उनका बॉयकॉट कर दिया और कहा मोदी जी ने कहा है मुगलों के बारे में नहीं पढ़ना है। यानी मुगल आर्ट और मुगलों के बारे में पढ़ना, यानी आज जो हमारा IQ है, क्योंकि देखिए झूठ का खरीदार भी कौन हो सकता, कम अकली आज के दौर की सबसे बड़ी पहचान है। आपको नफरत करने के लिए बहुत जहीन होने की जरूरत नहीं,
कम अकली आज के दौर की सबसे बड़ी पहचान है, जहां एक टीचर मुगल आर्ट्स नहीं पढ़ा सकती क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि मुगलों के बारे में नहीं पढ़ना है। जयशंकर जी ने जाके भरे मंच से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कह दिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं है हिंदुस्तान में। वो उस बदकिस्मत औरत ब्रिटिश बानों का चेहरा भूल गए जिसने 20 साल अपनी आबरू लूटने, अपनी पूरी फैमिली की जिंदगी, उनका कत्ल, उन सबका कत्ल उसके सामने हुआ। उसने 20 साल जंग लड़ी, उसके बाद उसे इंसाफ मिला और एक ही झटके में उससे वो इंसाफ छीन लिया गया। आज यहाँ पर हमारे सामने न सिर्फ कि नाइंसाफी हो रही है, लेकिन बाकायदा नाइंसाफी के चेहरे हमारे सामने हैं। हर मेरा रिपोर्टिंग असाइनमेंट एक असाइनमेंट से दूसरा ज्यादा मुश्किल होता है। मैंने अफगानिस्तान से लेके इराक से लेके फिलिस्तीन से लेके कश्मीर में उस वक्त भी मैं रिपोर्टिंग करने के लिए गई जहाँ पूरे तरीके से मोबाइल पर भी पाबंदी थी, कोई फोन तक नहीं कर सकता था। 7 दिनों तक मेरी फैमिली को ये भी नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ, मर गई हूँ, जेल में हूँ, बाहर हूँ। लेकिन इससे भी ज़्यादा खतरनाक मेरे लिए वो असाइनमेंट था जब मैं नूह कवर करने गई। सिर्फ 1 महीना पहले की बात है। एक ऐसा असाइनमेंट, एक ऐसा रिपोर्टिंग असाइनमेंट जहाँ जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, लॉयर, नेता, जिस इंसान से मैं मिली हर शख्स मेरे सामने रोया। वो इसलिए रोया कि अब न सिर्फ कि इंसाफ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बल्कि इंसाफ मिलने की उम्मीद भी खत्म हो गई। और आंसू कब आते हैं, आप ही सोचिए। आप ही के जैसे लोग थे और आपसे कहीं ज्यादा रिवायती उनका बैकग्राउंड था, ज्यादा ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से, जहां यह माना जाता है कि एक मर्द रोने से अच्छा है तुम अपनी जान दे दो। और ऐसे में वो बुजुर्ग लोग, दाढ़ी टोपी वाले लोग कैमरे पर भी रो रहे हैं और कैमरे के अलावा भी रो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की एक तरह की बेचारगी है, जिस तरह की मजबूरी है, जिस तरह की उम्मीद जो कम हो रही है लगातार हर रोज। जब मैं वहां पहुंची तो ये समझिए कि 150 बुलडोजर्स मुसलमानों के घरों, दुकानों और होटलों, रेस्टोरेंट्स, उनके खोमचे, छोटे छोटे दुकान, उन सब पे बुलडोजर्स चल रहे थे, 50 एक साथ। जब मैं वहां से गुजर रही थी तो ऐसा लगा कि वहां कोई हवाई हमला हुआ है, क्योंकि कई मीटर तक मेरी कार चलती रही और तमाम जगह नेस्त नाबूद वो दुकान, मकान और होटल नजर आए। ऐसा लगा कोई बाहरी फोर्स ने आके यहां हमला कर दिया। तो जहां बुलडोजर एक तस्वीर बन चुका है, एक नफरत की तस्वीर, एक तशद्दुद की तस्वीर, उसका एक सिंबल बन चुका है, वहां बड़ी बहादुरी के साथ लफ्जों की बाजीगरी करके कभी हमारे प्राइम मिनिस्टर और कभी हमारे फॉरेन मिनिस्टर जाके कहते हैं कि मुसलमानों के साथ यहां कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। अब से करीब 20-22 साल पहले मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से मैं आई। मैंने जब मैं इस शहर में पहुंची, दिल्ली शहर में, कलकत्ता नहीं दिल्ली, मैंने नहीं सोचा था कि मैं आज आप सबके सामने यहाँ खड़ी होंगी, मैं वो बन पाऊंगी जो मैं बनना चाहती थी, बल्कि जिसका मैंने ख्वाब भी नहीं देखा था। मैंने हमेशा यह सोचा था कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है, एक छोटी बच्ची जब एक टीनेजर में हुआ करती थी, स्कूल में पढ़ती थी, मैंने हमेशा ये सोचा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो उम्मीदों का मुल्क है, जो मौके का मुल्क है। इंडिया इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज, जहाँ एक ऐसी लड़की जो दिल्ली से पहले कभी नहीं आई, वो किसी को नहीं जानती थी, उसे कोई नहीं जानता था, वो आई और इतने सारे लोग जिन्होंने उसका हाथ थामा, और वो सारे लोग, तकरीबन सारे लोग उस मजहब के मानने वाले थे जिनके नाम पर आज मुल्क बनाने की बात हो रही है। वो तमाम लोग जिन्होंने मेरा साथ दिया, चाहे वो एडिटर्स हों, चाहे वो कॉलीग्स हों, चाहे वो लोग हों जिन्होंने मेरी मदद की, वो सब हिंदू कम्युनिटी से आने वाले लोग थे। अगर उन लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया होता तो आज मैं आपके सामने नहीं खड़ी होती।
लेकिन वो मुल्क दूसरा मुल्क था, वो एक ऐसा मुल्क था जिसमें उन लोगों ने मेरा मजहब नहीं देखा, उन्होंने मेरी जात नहीं देखी, उन्होंने ये नहीं देखा मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि एक लड़की है जिसकी आंखों में रोशनी है, दिल में अरमान है, ये कुछ करना चाहती है। उन्होंने मेरी मदद की और हाथ पकड़ते पकड़ते मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया। लेकिन आज क्या कोई और, 2000 में मैं चली थी अपने कस्बे से, आज 2023 हो गया, क्या 23 साल बाद मैं ये कह सकती हूँ कि अब कोई दूसरी आरफा खानम शेरवानी मेरे कस्बे से आकर दिल्ली में आके या कलकत्ता में आके मेरे जैसा करियर बना सकती है? मैं अफसोस के साथ कह रही हूँ, ऐसा नहीं लगता मुझे। न वो अब लोग हैं, न वो चेहरे हैं, न वो सेक्युलर लोग हैं, न वो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में मानने वाले लोग हैं, बहुत कम। मैंने इसलिए कहा, मैंने ये नहीं कहा कि नामुमकिन, मैंने कहा कि इसकी उम्मीद बहुत कम लग रही है। अभी भी मुझे यकीन है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ कई जो हमारे स्पीकर्स थे उनकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती कि हिंदुस्तान में तमाम लोग ये चाहते हैं कि ये मुल्क एक सेक्युलर मुल्क बना रहे, ऐसा नहीं है। ज़मीन पर अभी इतनी नफरत है, आप यकीन जानिए, मैं तो अक्सर जाती हूँ और ख़ास कर जाती हूँ सैंपल लेने के लिए, देखने के लिए। बहुत बड़े तबके को इस मुल्क के समझा दिया गया है कि अगर हिंदुस्तान से ये जो पिछड़े लोग हैं, ये जो अनपढ़ लोग हैं, ये जो आपके दुश्मन लोग हैं, ये 20 करोड़ लोग अगर चले जाएं, तो हिंदुस्तान एक विश्व गुरु बन जाएगा। और ये भी यकीन जानिए कि आप सड़क पर अभी किसी भी बीजेपी आरएसएस की ज़रूरत नहीं है किसी नफरत और वायलेंस के लिए। ये जो आइडियोलॉजी है लोगों के दिल दिमाग में इस तरह घर कर चुकी है कि मैं कभी किसी मदरसे के छोटे बच्चों को जो उनको जाते हुए देखती हूँ, मेरा दिल डूबने लगता है, एकदम से हलक में आ जाता है कि अंधेरे में दो बच्चे जा रहे हैं कुर्ता पजामा पहने हुए, टोपी लगाई है, दाढ़ी है, और मैं दुआ करती हूँ कि ये खैरियत से अपने घर पहुँच जाएं। क्योंकि उन मासूम बच्चों को पता नहीं कि उनका कसूर क्या है। सड़क पर इतनी नफरत है आजकल कि आप सुबह घर से निकले, आप शाम को घर वापस पहुंचेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन फिर भी एक तबका ऐसा है, और बड़ा तबका ऐसा है, ये छोटा तबका जरूर है जिसने नफरत फैलाकर हमारे सिर्फ शहरों नहीं गांव देहात तक वो नफरत फैला दी है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तबका ऐसा है जो मुसलमानों से, ईसाइयों से, सिखों से नफरत नहीं करता। वो एक तरह की जो लफ्ज़ों की, जो अल्फाज की बाजीगरी है उसमें आ गया है। उसे लगता है कि जो सिस्टम उसके लिए 60-65 साल से काम नहीं कर रहा था, हो सकता है मोदी जी आके उस सिस्टम को बदल दें और हिंदुस्तान को एक विश्व गुरु बना दें। उसको लगता है, उसे उम्मीद है कि शायद कुछ काम कर जाए। दो अहम बातें मैं यहां कहना चाहती हूँ कि ये सब कुछ 10 सालों में, क्योंकि अब 10 साल पूरे हो रहे हैं नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के, तो एक ऐसा वक्त भी आ गया है कि इसको एनालाइज किया जाए कि आखिर क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या बुरा हुआ। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो काले अल्फाज हैं, जो जब हम अपनी तारीख पढ़ेंगे तो बहुत ही अंधेरे वक्त के तौर पे देखा जाएगा। लेकिन दो चीज़ें ज़रूर ऐसी हुईं, एक हुआ NDCA NRC मूवमेंट और दूसरा हुआ फार्मर्स मूवमेंट, जो बताता है कि आम आदमी की ताकत क्या है। आज भी जब मैं अलग अलग शहरों में जाती हूँ, आज भी जब मैं यहाँ पार्क स्ट्रीट से गुजर रही थी तो मुझे यहाँ ऑर्गेनाइजर्स में से यही उन्होंने बताया कि ये वही जगह है जहाँ NDCA NRC प्रोटेस्ट हुआ, यानी वो जगह जहाँ पर वो इंकलाब आया वो तारीखी जगह बन चुकी है। और बहुत एक ऐसा तबका जरूर पैदा हो गया जिसने एक नई रोशनी दी, एक उम्मीद दी। और यकीन जानिए, ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों के जेल चले जाने से वो इंकलाब ख़त्म हो गया। मैं कहती हूँ वो इंकलाब अभी भी हमारे घरों में, हमारे दिलों में जिंदा है, सिर्फ कुछ दिन के लिए मुलतवी हुआ है। एक फार्मर्स मूवमेंट में, तो ये तो बात रही कि NDCA NRC मूवमेंट में एक कौम के साथ किया गया, और खासकर औरतों के साथ, क्योंकि यहाँ मैं तादाद देख रही थी बहुत कम है औरतों की तादाद, स्पीकर्स में भी मैं देख रही हूँ बहुत कम औरतें हैं। और इसके अलावा ये मेरी शिकायत हमेशा ही रहती है कि जो मुस्लिम महफिलें होती हैं वो अक्सर सिर्फ मुस्लिम मर्दों की महफिलें बन जाती हैं। आपको आरफा खानम शेरवानी तो चाहिए, लेकिन उनको बनाने के लिए जितने साल चाहिए, जो मेहनत चाहिए,
जो खुला दिल दिमाग चाहिए वो कम देखने को मिलता है। मैं चाहती थी कि मेरे साथ स्टेज पे यहाँ मैं सिर्फ अकेली नहीं बैठी होती, चार और औरतें बैठी होती। क्योंकि आप किसी भी कौम या किसी मुल्क की तरक्की आप जब तक पूरे तरीके से नहीं आप इंश्योर कर सकते, जब तक कि आधी आबादी घर पर बैठी रहे या आपके पीछे बैठी रहे। ना हिंदुस्तान की पूरी औरतों की मैं बात कर रही हूँ, किसी भी कौम की बात कर रही हूँ, किसी भी तबके की बात कर रही हूँ। और ये सबसे ज़्यादा लागू होता है अकलियतों पर कि अपनी औरतों को, अपनी जो ख्वातीन हैं उनको आगे बढ़ाइए। और अब अगली बार जब मैं आऊँ तो मुझे ऑडियंस में भी 50% लोग मिलें और स्टेज पर भी मुझे 50% लोग नजर आए। आखिरी बात, एक उम्मीद तो मैंने कहा कि जो इंकलाब है वो आम ही लोग आएंगे। मुझे किसी नेता से कोई बहुत उम्मीद नहीं है, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी से बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन जो मुझे उम्मीद है वो आम लोगों से है। NTCA, NRC प्रोटेस्ट, फार्मर्स मूवमेंट, जिस तरह हिंदू मुसलमानों को साथ लाने का काम इस एक मूवमेंट ने किया, जिस तरह मैं हमेशा कहती हूँ कि जो NTCA, NRC मूवमेंट था, मुस्लिम औरतों ने जो ये पूरा मूवमेंट किया, इंकलाब लाए, यकीन जानिए 30 साल 50 साल लग जाते किसी फेमिनिस्ट मूवमेंट को, जो 24 घंटे के अंदर उन औरतों ने करके दिखाया। 24 घंटे के अंदर उन औरतों ने किचन में खाना पकाने से लेकर प्रोटेस्ट साइट पर आकर माइक पर कैमरों पर मुकाबला करने लगी। और लोग कहते थे कि हम बार बार एक आदमी को इसलिए चुन लेते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरे अल्टरनेटिव नहीं, इफ नॉट हिम देन हू। एक ही मंच पर दर्जनों नेता वहां बैठे होते, दर्जनों औरतें नेता बन गई जो 30 साल 50 साल लगते फेमिनिस्ट मूवमेंट को। इसी तरीके से फार्मर्स मूवमेंट ने जो किया दो खासकर तबकों को करीब लाने का, इसलिए मैं आम लोगों से बहुत ज्यादा उम्मीद करती हूँ। और आप लोगों से गुजारिश करती हूँ कि जब आप उम्मीद ये करते हैं कि जब आपके ऊपर आफत आए, जब आपके ऊपर मुश्किल आए, तो दूसरे मजाहिब के लोग, दूसरी जातों के लोग आपके साथ आए, तब आप कहाँ होते हैं जब दूसरे तबकों के लोगों पे मुसीबत आती है। जब सिखों पे मुसीबत आती है तो आप सड़क पर क्यों नहीं निकलते? जब ईसाइयों के चर्च जलाए जाते हैं तो आप सड़क पर क्यों नहीं आते? जब किसानों के साथ नाइंसाफी होती है तो मुशावरत एक प्रोग्राम क्यों नहीं करता? जब मजदूरों का हक छीना जाता है तो उनके आंसू के साथ आपके आंसू मिलकर सैलाब क्यों नहीं बना देते? इसलिए जो सोशल कोलिशंस हैं, वो तमाम लोग जिनको इस कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है, इस डेमोक्रेसी की जरूरत है, इस मुल्क की जरूरत है, और इस मुल्क को उन लोगों की जरूरत है, और उस वक्त पे जब आपको बांटा जा रहा हो तब तो और ज्यादा जरूरत है कि जो हल्का बनाने की मैंने आपसे बात की थी उस हल्के को और ज्यादा बड़ा कर दीजिए, उस सर्कल को इतना बड़ा कर दीजिए कि जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं वो चार लोग दूर से खड़े देख रहे हों और आप यहां 4 करोड़ हों। ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत ताकतवर हैं क्योंकि उनके पास स्टेट मशीनरी है, उनके पास जुडिशरी है, उनके पास ब्यूरोक्रेसी है, उनके पास मीडिया की ताकत है, लेकिन आपके पास सच्चाई है, हक है, ईमानदारी है। बेईमानी और झूठ कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, उसकी उम्र छोटी ही होती है। तो आज आप सब मुझसे वादा कर रहे हैं कि पहली बात तो ज्यादा औरतें मुझे नजर आएंगी, दूसरा वादा कीजिए ऊपर भी और नीचे भी कि ज्यादा बड़ा इस हल्के को आप करेंगे और उतना ही दर्द महसूस करेंगे जब आपके लिए दर्द होता है, जब दूसरे कमजोर तबकों को दर्द हो रहा। तो मैं ये उम्मीद लेकर, जैसे मैंने कहा कि उम्मीद देने से ज्यादा मैं उम्मीद लेकर मैं यहां से जाना चाहती हूं। इकबाल के शेर से शुरुआत तो नहीं कर सकी अल्लामा इकबाल के, लेकिन आखिर जरूर करना चाहती हूं। नहीं नाउमीद इकबाल अपने किश्त वीरा से, जरा नम हो तो मिट्टी बहुत जरखेज है साथी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, जिंदाबाद।